लेखपाल संघ के अध्यक्ष रूपेश चौधरी के नेतृत्व में तहसीलदार एतमादपुर मानधाता सिंह को ऑनलाइन खसरा फंडिंग एवं ई खसरा पड़ताल फसल सर्वे कार्य में लेखपालों के समक्ष उत्पन्न तकनीकी एवं व्यावहारिक समस्याओं का समाधान कराए जाने के विषय में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि लेखपाल के द्वारा ऑफलाइन पड़ताल के आधार पर 1428 फसली का खसरा अंतिम हस्तलिखित खसरा उपलब्ध है, जिसके आधार पर 1428, 1429 और 1430 ऑनलाइन खसरा फीडिंग कराई जा रही है। वहीं 1431 फसल में अधिकांश गांवों की एक खसरा पड़ताल एग्री स्टेट फसल सर्वे के द्वारा पड़ताल की गई। एग्री स्टेट सर्वे से छूट गांवों की पड़ताल पूर्व की भांति खसरा प्रारूप का ऑफलाइन करनी थी, जिसके आधार पर ऑनलाइन खसरा फंडिंग का कार्य होना था। उसे कार्य में आ रही तकनीक एवं व्यावहारिक समस्याओं के संबंध में पूर्व में भी मौखिक एवं लिखित रूप में अवगत कराया गया था। तहसीलदार ने बताया कि जल्द ही समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। निर्धारण और खसरा के संबंध में कि साइट न चलने की वजह से दिक्कत हो रही है और इसको सरलीकरण प्रक्रिया अपनाई जाए, इसमें गलत होने पर हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ये सब दिया गया है। और खसरा में साइट न चलने के कारण और उनकी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं समझ की हैं, लेकिन अभी तक इनके द्वारा बताया नहीं गया था जी। ये 2-3 दिन का काम है, किसी समस्या नहीं है। सभी लोगों पे लेखपालों पे वर्क इतना है बहुत ज्यादा, वो गलत तरीके से हमसे कह के हिस्सा बनाओ अंश बनाओ, जो कि किसानों के हित की बात नहीं है। अगर किसी का अंश गलत हो जाता है, एक किसान का भी अंश गलत हो जाता है और उसका बहनामा कोई दूसरा पर्सन करा लेता है तो उसको कितना कष्ट होगा। इसी विषय को लेकर के हमने अपना ज्ञापन दिया है कि किसी का अंश हमारे द्वारा गलत जबरन नहीं बनवाया जाए, जिससे कि हम गलत बनाते और किसान को भी परेशानी होगी और हमारी भी दिक्कत खड़ी होगी।